ब्रेक के बाद एक बार फिर जुड़ चुके आप मेरे साथ। अगली खबर आ रही है नागौर से। आपको बता दें, सरपंचों के द्वारा बीते 7 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी, अभी तक नहीं हुई है कोई सुनवाई। मुंडवा में पिछले 7 दिनों से चल रहे सरपंच के धरने का नहीं निकल रहा अभी तक नतीजा। गहलोत सरकार के ना सुनने पर सरपंचों ने आमरण अनशन धरना प्रदर्शन लगातार जारी, जिसमें नागौर पूर्व विधायक इब्राहिम ने सरपंचों से बातचीत कर सरकार तक उनकी उचित मांगों को पहुँचाने का आश्वासन दिया और उचित मांगों को लेकर पहुंचाने का आश्वासन दिया। और इस धरना प्रदर्शन में जो सरपंचों की तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, साथ ही उनके स्वास्थ्य के बारे में बात की और सरकार से निवेदन करते हुए उनकी मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया। दो तीन दिन बाद था सरपंच संघ के इनके मैसेज आ रहे थे, आज सुबह ही में इनके मैसेज से आया। 17 तारीख को भी मैंने सीओ कलेक्टर साहब से डिस्कस की थी कि भाई इनके मांगे जाइए, इनको पैसे दो। आज भी सुबह में कलेक्टर साहब को लेटर दिया है और हाथों हाथ से सेक्रेटरी पंचायत राज से बात की है कि हमारा सरपंच संघ का आ रहा है, वहाँ 5-7 सरपंच जयपुर गए, उनसे बातचीत करें और इनके सब पैसे वाजी में होगा। 2-4 होती है, 1-2 गलती, 100% थोड़ी गलती है। कलेक्टर साहब ने कहा मैं भी चाहता हूँ कि इनको पैसे मिले। सी साहब को मैंने कहा भी उनसे भी बात करके आया हूँ, कभी अपनी रिपोर्ट सरपंचों के फेवर में भेजो। गलती थोड़ी बहुत सब जगह ही होती है। अभी मैंने सीएम साहब को भी मेल किया है, उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2-3 दिन में इनका मसला हो जाए। और सरपंचों से मैंने कहा है कि अनशन करना चाहिए, हड़ताल करनी चाहिए, लेकिन भूख हड़ताल नहीं। लेकिन एक ही काम को लगातार तीसरी बार जांच करवाई जा रही है। ये देखो, ये इनका डिपार्टमेंटली मसला है। सरपंच संघ और मंत्री जी के आपस में जो विवाद चला है, उससे मंत्री जी ने जाँच कराई है, लेकिन सीओ साहब भी कह रहे थे जांच फेवर में। मुझे पूरी उम्मीद आएगा 2-3 दिन में इनका काम हो जाएगा। गहलोत सरकार के खिलाफ हर दूसरे दिन नागौर जिले में लोग धरने पर बैठते हैं। अब नागौर के मोडवा की बात करें, चाहे मौलासर की बात करें, मौलासर में भी पिछले 7 दिनों से कृषि कॉलेज को लेकर ना वो धरने पर बैठे, उसके बारे में क्या कहूँगा? तो मांगे हैं उनकी, वहाँ हमारे मुख्य सचेतक है महेंद्र जी, उनसे भी मैंने कल बात की, तो कर रहे हैं बातचीत। आज मुख्यमंत्री जी का आज निकल चुका है, उनका मसला भी हल करेंगे।